लाफिंग बुद्धा अक्सर हमें हर किसी के घर में देखने को मिल जाता है, और हो सकता है हमारे अपने घर में भी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति ज़रूर होगी। ये तो सभी जानते हैं कि लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर में रखना बेहद ही शुभ होता है। माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा की तस्वीर या मूर्ति घर में रखने से घर में खुशहाली समृद्धि बनी रहती है। पर आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि लाफिंग बुद्धा कौन थे और उनका ये नाम कैसे पड़ा। तो आज हम आपको इस रहस्य के पीछे का सच बताते हैं। वैसे तो महात्मा बुद्ध के बहुत से शिष्य थे, उन्हीं में से एक जापान के शिष्य थे जिनका नाम था हुतई। कहा जाता है कि जैसे ही हुतई को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, वो हंसने लगे और तभी से उन्होंने दूसरों को भी हंसाना और खुश रखना अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया, और लोगों को भी उनकी उपस्थिति बेहद पसंद आने लगी, और इसी वजह से लोग उन्हें हंसता हुआ देखकर उन्हें हंसता हुआ बुद्धा कहने लगे, जिसका मतलब हुआ लाफिंग बुद्धा। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ खड़े हैं, वे जहाँ भी रहते जोर जोर से हंसने लगते थे। धीरे धीरे वे लाफिंग बुद्धा के नाम से पूरे जापान में प्रसिद्ध हो गए। लोग हुतई का इंतजार करते थे, हालांकि उनके पास देने के लिए कोई प्रवचन या उपदेश नहीं होते थे, पर फिर भी जब भी वो आते लोग भीड़ में इकट्ठा होके उनके साथ हंसते थे। हुतई की तरह उनके अनुयायी भी लोगों को हंसाने और खुश रखना का उद्देश्य बना लिया। हुतई यानी लाफिंग बुद्धा को फेंगशुई का भगवान माना जाता है, और सदियों से लोग इसे गुड लक का प्रतीक मानते हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।